जय हिंद। आज के विंडोज 7 के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे विंडोज 7 के डेस्कटॉप, टास्क बार और स्टार्ट मेनू के बारे में। जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं और अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो जो ये स्क्रीन दिखता है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड, इसे कहते हैं विंडोज़ में डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में सबसे नीचे देखेंगे आप, ये पट्टी होती है, बार होती है, इसे कहते हैं टास्क बार। डेस्कटॉप के अंदर जितने भी आइकन्स दिखते हैं, जनरली ये शॉर्टकट्स होते हैं, या तो किसी सॉफ्टवेयर का, या किसी सेटिंग्स का, या किसी आपके डॉक्यूमेंट या फाइल का या फोल्डर का। इसके अलावा जो टास्क बार है, टास्क बार में भी सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स के तौर पे ये आप आइकन्स देख रहे हैं। ये सारे आइकन्स किसी न किसी सॉफ्टवेयर के लिंक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं। डेस्कटॉप आमतौर पर जिस तरह से डेस्क होता है, एक मेज़ होता है, उसके टॉप की तरह है, टेबल का टॉप है। इसमें अमूमन हम ऑफिस में जब काम करते हैं तो अपने फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह रखते हैं। इसी तरह से विंडोज़ में डेस्कटॉप एक टेबल की तरह है, इसमें तरह तरह के फाइल, फोल्डर्स और सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स पड़े रहते हैं। टास्क बार में सबसे दाहिने किनारे पर कुछ सेटिंग्स दिए हुए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं डेट और टाइम बना हुआ है। जब इस पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा कैलेंडर और एक घड़ी दिखती है। यहाँ से आप कैलेंडर में आप आगे और पीछे दिए हुए एरो से आप आगे पीछे जा सकते हैं, अगले महीने या पिछले महीने में। इसके अलावा अगर आपको अपने कंप्यूटर का डेट या टाइम में सेटिंग में जाकर चेंज करना है तो आप यहाँ भी नीचे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो डेट और टाइम का एक विंडो खुलता है। इस विंडो में भी आप जा करके डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं या अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टास्क बार में दाहिने किनारे पर स्पीकर बना हुआ है। इस स्पीकर पे अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस स्लाइडर को ड्रैग करके भी आप अपने कंप्यूटर के साउंड के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने म्यूट करना है, अपने कंप्यूटर को साइलेंट मोड में करना है, तो इस स्पीकर पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए एक स्टॉप का सिंबल स्पीकर पर आ गया। अभी हमारा कंप्यूटर का साउंड म्यूट हो चुका है, किसी भी तरह का साउंड सिस्टम का नहीं बजेगा, कोई भी प्लेयर का साउंड नहीं बजेगा। दोबारा नॉर्मल करने के लिए इस स्पीकर पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, साउंड नॉर्मल मोड में हो जाता है। बाहर क्लिक करने से आप साउंड की सेटिंग से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के सेटिंग के लिए ये सिंबल है, यहाँ से आप कंप्यूटर को नेट से वाईफाई या ब्रॉडबैंड के जरिए जोड़ सकते हैं। बैटरी और एक चार्जर प्लग दिखाया जा रहा है, ये इंडिकेटर है आपके कंप्यूटर के बैटरी के परसेंटेज का। इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आता है, बैलेंस प्लान और पावर सेवर प्लान। अगर आप चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर को पावर सेवर मोड में ले आएं तो उसे ऑफलाइन मोड में ला करके पावर सेविंग मोड में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। तो यहाँ से आप बैटरी से संबंधित सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ नोटिफिकेशंस जो आपसे विंडोज़ कहना चाहता है, यहाँ पे आप कंप्यूटर के नोटिफिकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो कंप्यूटर दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस नोटिफिकेशंस को हल करने के लिए फर्दर स्टेप में जा सकते हैं। जैसे कि पहला आ रहा है अपडेट विंडोज डिफेंडर, फिर है फाइंड एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑनलाइन, क्योंकि मैंने अभी कोई एंटीवायरस डाला हुआ नहीं है अपने सिस्टम में, इसलिए सजेस्ट कर रहा है। इसी तरह से बाकी नोटिफिकेशंस हैं। और टास्क बार में फिर देखें एक छोटा सा एरो है अपवर्ड, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा विंडो खुलता है। ये जो कंप्यूटर में हमारा साथ साथ सॉफ्टवेयर्स रन कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड में जो दिखाई नहीं दे रहे, उसके शॉर्टकट्स यहाँ दिखते हैं। यहाँ से इन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर से एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टास्क बार पे सबसे बाएं किनारे पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ये स्टार्ट बटन। अगर आप माउस के उसके ऊपर लेकर जाएंगे, होवर करेंगे, तो देखिए स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है। स्टार्ट बटन पे जब आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुलता है। स्टार्ट मेनू में दो हिस्से हैं, एक बाएं तरफ सफ़ेद रंग और दाहिने तरफ काले रंग का। सफ़ेद रंग वाले हिस्से में जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आइकन्स, ये सारे प्रोग्राम जो इंस्टॉल हैं, जो फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते हैं या इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके शॉर्टकट्स हैं।
इसके अलावा बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आपके कंप्यूटर में, उसको देखने के लिए, उस तक एक्सेस करने के लिए आप ये ऑल प्रोग्राम्स पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, कंप्यूटर में जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट निकल जाती है। आप ये देखें, स्क्रॉल बार है, इसमें नीचे एक एरो बना हुआ है और ऊपर एक एरो बना हुआ है। आप नीचे वाले एरो पे लेफ्ट क्लिक करके जो नीचे छुपी हुई लिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या आप इस स्क्रॉल बार को भी लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके आप अप डाउन करेंगे तो यहाँ से आप आगे पीछे हो सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए ज़रूरत है, बस उस पर आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा इसी वाइट वाले पैच में सबसे नीचे देखिए एक सर्च बार है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर का नाम याद है उसको खोजना है, खोलना है, तो आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाकर के पूरी लंबी लिस्ट में देखने की जरूरत नहीं है। आप सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स पर क्लिक कीजिए, जो भी प्रोग्राम आपने खोजना है, जैसे मैं अभी टाइप करता हूँ वर्ड, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोजना है, WORD। देखिए प्रोग्राम्स मैचिंग 3 आ गए, कंट्रोल पैनल के सेटिंग्स भी आ गए और फाइल्स मैचिंग आ गए। इसके अलावा जो ब्लैक साइड है आपका, इसमें सबसे ऊपर ये जिस अकाउंट के थ्रू हम लॉगिन हुए हैं उस अकाउंट का नाम और उसका लोगो, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर्स, ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर और म्यूजिक्स है, ये आपके पर्सनल फोल्डर्स हैं, उनका यहाँ पर लिंक है। गेम्स में जाने के लिए गेम्स में क्लिक कर सकते हैं, कंप्यूटर के पूरी डायरेक्टरी में जाने के लिए आप कंप्यूटर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं आप, इसके बारे में अगले ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे। और अपने कंप्यूटर से किसी भी डिवाइस को, कैमरे को, स्कैनर को या प्रिंटर को जोड़ने के लिए आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जा सकते हैं। कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में चेंज करने के लिए आप डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इंटरनेट करना है, तो इंटरनेट करने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट किस प्रोग्राम से करना चाहते हैं उसकी सेटिंग यहाँ आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की समस्या आने पर आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर के कंप्यूटर से उस समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में नीचे शट डाउन का बटन बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर अपने आप सारे फाइल्स को क्लोज करके शट डाउन हो जाएगा। इसके दाहिने किनारे पर एक छोटा सा एरो है राइट साइड, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए और भी ऑप्शंस आए हैं, जैसे कि स्विच यूज़र। अगर एक कंप्यूटर में कई उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, कई अकाउंट बने हुए हैं, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लॉग ऑफ, अपने अकाउंट से बाहर आने के लिए, जिस अकाउंट में आप काम कर रहे हैं, जैसे आधुनिक स्थिति में हम अलेक्सा अकाउंट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉक, अपने कंप्यूटर से बाहर निकल के उसमें पासवर्ड लगाने के लिए, अगर आप कुछ देर के लिए कंप्यूटर पर काम नहीं करना चाहते हैं तो, या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा वीडियो ट्यूटोरियल समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।